बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला किया है। दरअसल विपक्षी दलों की बैठक में शामिल आम आदमी पार्टी और इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी पीएम मोदी ने नाम लिए बिना हमला किया। उन्होंने शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि जब कोई एजेंसी कट्टर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती है तो कहने लगते हैं कि फंसाया जा रहा है। पीएम मोदी ने मंगलवार को पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करते हुए ये बात कही। बता दें, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी आप पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि परिवर्तन की बातें की जाती है। पीएम का इशारा अरविंद केजरीवाल की ओर था, जो कहते हैं कि वो राजनीति और व्यवस्था बदलने आए हैं। आप इस समय शराब घोटाले को लेकर घिरे हैं। इसकी कथित घोटाले में शामिल होने के आरोप में केजरीवाल के सबसे करीब नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी के अंत से जेल में बंद है। पीएम मोदी ने शराब घोटाले का जिक्र करते हुए कहा, परिवर्तन की बात करें, जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है। उनका टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि लोग इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बैठक कह रहे हैं। इन परिवारवादियों का मंत्र सिर्फ अपना अपने परिवार का भला करना है। उन्होंने बैठक में शामिल दलों पर कट्टर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया है।